जनरल एंड स्टूडेंट्स, और हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इन दोनों इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं और ये एक न्यूमेरिकल में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा एक ऐसा सर्किट है जिससे हम लोग कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे, कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बहुत ही यूज़फुल हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरह का सिस्टम है। व्हीट स्टोन ब्रिज में हमारे फोर रजिस्टर्स होते हैं। चार रजिस्टर्स होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में। ये फोर रजिस्टर्स होते हैं, एक का नाम है पी, दूसरे का क्यू, आर एंड एस। हमारे फोर रजिस्टर्स होंगे पी, क्यू, आर और एस। तीनों एक रेक्टेंगल शेप में एक आर में कनेक्टेड होंगे चारों। और इन चारों का जो दो अपोजिट कॉर्नर है, जो दो अपोजिट एंड्स हैं, ये दो अपोजिट एंड्स कनेक्ट होंगे सेल या बैटरी से। जो दो अपोजिट एंड्स हैं वो सेल या बैटरी से कनेक्टेड होंगे और जो रिमेनिंग हमारे एंड्स हैं, एक मिनट, दो एंड्स होंगे सेल या बैटरी से कनेक्टेड होंगे और जो रिमेनिंग दो अपोजिट कॉर्नर्स हैं ये हमारे कनेक्टेड होंगे गैल्वेनोमीटर से। दो अपोजिट कॉर्नर कनेक्टेड होंगे गैल्वेनोमीटर से। तो हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, मैंने कहा स्टूडेंट्स, ये फोर रजिस्टर्स का एक सिस्टम है, पी, क्यू, आर एंड एस, जिसमें से जो पी क्यू हैं और जो आर एस हैं, ये चार रजिस्टर्स एक रेक्टेंगुलर आर्म के शेप में कनेक्ट होंगे। और मैंने कहा इनके दो अपोजिट एंड्स वोल्टेज और किसी बैटरी से कनेक्टेड होंगे और अदर जो दो अपोजिट एंड्स हैं वो हमारे कनेक्टेड होंगे गैल्वेनोमीटर से। हमारा जो ये सिस्टम तैयार हुआ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बोलेंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होगी। इस सिस्टम को हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बोलेंगे बट उसके लिए एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी कि जो पी अपॉन क्यू होगा, जो P और Q का रेशियो होगा, दैट शुड बी इक्वल टू द R अपॉन S। P और Q का जो रेशियो होगा और R और S का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तब हमारा ये सिस्टम व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो P है आपका 1 ओम और Q है 2 ओम, R है 3 ओम और S है 6 ओम, तो हो जाएगा P अपॉन Q, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। देखो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो हमारा P अपॉन Q और R अपॉन S के रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो, अब अगर ये रेशियो मेंटेन होगा तो क्या होगा, अगर ये रेशियो हमारा मेंटेन होता है तो स्टूडेंट्स इस वाले आर में, जो बीच वाला आर में जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, उसमें करंट जीरो हो जाएगी, उसमें करंट जीरो हो जाएगी। अगर हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज इस रेशियो को फॉलो करता है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस को, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगी और जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, उसका एक पॉइंटर होता है जो सेंटर में ऐसे लगा होता है और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर लेफ्ट राइट दोनों साइड मूव करता है। तो चूंकि गैल्वेनोमीटर का पॉइंट लेफ्ट राइट दोनों साइड जा सकता है, तो हमारा ये अगर गैल्वेनोमीटर बैलेंस है, हम लोग बोलेंगे कि हमारा अगर बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज तभी कहलाएगा जब पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस हो। तो अगर हमारा ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा, मीन्स आई जी विल बी इक्वल टू द जीरो, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ दिस
व्हीटस्टोन ब्रिज की, हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस है तो गैलोनोमीटर में करंट जीरो होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे केसीएल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स का करंट रूल अप्लाई करते हैं, यानी कि पूरे सर्किट में हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करो कैसे करेंगे, देखो मान लो यहाँ से करंट निकली आई, सपोज करते हैं कि बैटरी से करंट आई निकली, और ये जो करंट आई यहाँ से निकली वो यहाँ जाने के बाद देखो जैसे यहाँ पे पहुंचेगी तो उसको दो रास्ते मिलेंगे। मान लो P में जो करंट गया वो गया I1, और R में जो करंट गया वो गया I माइनस I1। मैंने कहा कि जो P में करंट गया I में से P में करंट गया I1, और R में करंट गया I माइनस I1, क्योंकि I चला जाएगा I1 चला जाएगा तो I में से I1 माइनस कर दो, जो बचेगा वो R में जाएगा। अब आगे देखो, फिर I1 यहाँ पहुंचेगा तो उसको दो ब्रांचेस मिलेंगी, फिर से I1 को यहाँ पे दो ब्रांचेस मिलेंगी। मान लो I1 में से इधर चला गया IG, IG मतलब गैल्वेनोमीटर करंट, माना कि I1 में से इधर चला गया IG, IG मीन्स गैल्वेनोमीटर करंट, तो इधर कितना जाएगा दूसरी ब्रांच में, वो जाएगा I1 माइनस IG। I1 माइनस IG का मतलब I1 में से IG चला गया तो जो बचेगा, I1 में से IG को माइनस कर दो जो बचेगा वो इधर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ऊपर से आ रहा है IG और इधर आ रहा है I माइनस I1, ये दोनों यहां पे जाएंगे और सम होके इधर निकल जाएंगे। इधर कितना जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, क्योंकि ये वाला और ये, क्योंकि KCL क्या कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, तो जो इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, यानी कि दोनों को ऐड करके इधर भेज दिया। अब देखो ऊपर से आ रहा है I माइनस I1, नीचे से आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG, ये दोनों यहाँ पे जाके फिर जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ेंगे तो देखो क्या होगा, I1 से I1 कट जाएगा क्योंकि यहाँ I1 माइनस में है और यहाँ I1 प्लस में है, वहाँ IG माइनस में है IG प्लस, तो I1 और IG कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या I बचेगा। और देखो हमारा KCL सही है क्योंकि KCL कहता है कि जितना करंट तुमने बैटरी से निकाला था फाइनली उसमें उतना एंटर कर जाना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। और देखो वो हमारा हो भी गया, हमारा देखो कैलकुलेशन जब हमने करते गए तो आखिरी में सारे कैंसिल होके बैटरी में वापस I करंट ही बचा, यानी कि हमारा KCL सही लग गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा KCL लगाने का था। तो स्टूडेंट्स KCL लगाने के बाद अब हम लोग KVL लगाएंगे, किरचॉफ का वोल्टेज रूल। उसके लिए हम लोग दो लूप सेलेक्ट करते हैं क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज रूल कहता है कि किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेजेस हैं उनका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। ये कहता है कि किसी भी लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हैं उनका सारे का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। तो पहला लूप मैंने ये लिया और दूसरा लूप मैं ये ले रहा हूँ, सेकेंड लूप मैं ये ले रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लूप और ये हो गया हमारा सेकेंड लूप। फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप दोनों को वन बाय वन हम लोग लेते हैं और किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाते हैं। स्टूडेंट्स किरचॉफ के वोल्टेज रूल में मैंने बताया था कि जब भी आप करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो करंट चूंकि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो हम लोग करंट के डायरेक्शन में जब भी आगे बढ़ेंगे तो वहां का वोल्टेज कैसे लेंगे, माइनस के साथ लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि करंट आई है अगर यहाँ का रेजिस्टेंस आर है तो वोल्टेज वी इज इक्वल टू होता है आई आर, यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए ओम्स लॉ लगा लेंगे, और वहां पे अगर करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो माइनस के साथ लिखना, अगर कहाँ कहीं भी आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलना तो उसको प्लस के साथ लिखेंगे। तो देखते हैं इसको हम लोग वन बाय वन, एक एक लूप में हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं। तो लूप वन में हम लोग अप्लाई करते हैं, लूप वन, तो हम लोग लूप वन में किरचॉफ का वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे इस लूप वन में, देखते हैं। चलो मैं यहीं से पी से स्टार्ट करता हूं, तो P का वोल्टेज हो जाएगा I1 into P, P का वोल्टेज हो जाएगा I1 into P। अच्छा कोई बच्चा बताए इसको हम लोग प्लस के साथ ले कि माइनस के साथ ले, क्योंकि हम लोग ऐसे चल रहे हैं,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूम रहे हैं, तो I1P को प्लस के साथ लेते कि माइनस। वेरी गुड, माने क्योंकि करंट के डायरेक्शन में माइनस लगाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर ऐसे। अब देखो हर गैल्वेनोमीटर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी मान लेते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस IG into G, V इज इक्वल टू IR। फिर आगे बढ़े, हम लोग इस पूरे लूप को ट्रेस करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। अब देखो जब हम लोग ऐसे घूमते हुए यहाँ आएंगे तो करंट ऐसे आ रही है, हम उल्टा चल रहे हैं, तो प्लस लगाएंगे, प्लस I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा लूप वन में KVL, किरचॉफ का वोल्टेज रूल लूप वन में लगा। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड स्टेप इन लूप टू, लूप टू में अप्लाई करते हैं। लूप टू में कौन बच्चा बताए, कोई बच्चा लूप टू में अप्लाई करना चाहेगा? ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लूप टू में, यहाँ से क्यू से स्टार्ट करते हैं, क्यू से। ओके, तो क्यू के लिए बताओ क्या लिखें, माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू ना, आई आर और माइनस के साथ क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहा है। फिर ऐसे आगे बढ़ते गए, यहाँ गए। अब देखो यहाँ पे करंट ऐसे आ रही है, हम उल्टा आ रहे हैं, क्या लगाएंगे, प्लस। प्लस आई जी इंटू एस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग ऐसे घूमते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ भी करंट ऊपर आ रही है, हम उसके अपोजिट चल रहे हैं, प्लस लगाएंगे, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। तो दोनों लूप्स में हम लोगों ने किरचॉफ का वोल्टेज रूल अप्लाई किया। दोनों लूप में किरचॉफ का वोल्टेज रूल अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट हम लोग आते हैं, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को यही प्रूफ करके दिखाना है कि अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो, इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो जो गैल्वेनोमीटर का करंट हम लोगों ने IG दिखाया है वो कितना हो जाएगा, जीरो, वो जीरो हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसका उल्टा चलते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि इफ IG इज इक्वल टू जीरो, अगर IG जीरो कर दें हम इन दोनों इक्वेशन में तो क्या होगा, हम इन दोनों इक्वेशन में आई जी को जीरो कर दें तो क्या होगा। इफ आई जी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, मैं लिख दे रहा हूं, पुट इन वन एंड टू। हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि अगर आई जी जीरो होता तो क्या होता, तो हम लोग इधर आई जी इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे, हो जाएगा I1P माइनस I1P, और यहाँ पे आई जी जीरो रखोगे तो जीरो हो गया, और वहां पे बचेगा आई माइनस आई वन इंटू आर, उसको राइट साइड में ले जाओ तो हो जाएगा माइनस आई माइनस आई वन इंटू आर, क्योंकि आई जी जीरो हो गया, ये बचा और ये बचा, उसको राइट साइड में कर दिया, दोनों का माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, एक इक्वेशन ये बना, इक्वेशन नंबर थ्री। ऐसे ही हम आई जी इज इक्वल टू जीरो अब टू में पुट करते हैं, वन में पुट कर दिया अब टू में पुट करते हैं, तो आई जी इज इक्वल टू जीरो हम लोग पुट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स टू में, तो आई जी इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई जी इज इक्वल टू जीरो पुट करो, जब हम लोग आई जी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई वन इंटू क्यू, क्योंकि आई जी हो जाएगा जीरो, और देखो यहाँ पे आई जी जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा, ये भी आई जी जीरो कर देंगे तो ये बचेगा आई माइनस आई वन इंटू एस, माइनस उधर जाएगा जाएगा, तो यहाँ का भी दोनों माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। यानी कि हमने आई जी एक बार वन में जीरो रखा और एक बार आई जी की वैल्यू जीरो टू में रखा, दोनों से थ्री और फोर मिले। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थ्री बाय इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन थ्री और फोर को डिवाइड किया, आई वन कैंसिल, क्या बचा पी अपॉन क्यू, आई माइनस वन कैंसिल, क्या बचा आर बाई एस। यानी कि हमने प्रूफ करके दिखाया कि अगर आई जी की वैल्यू हम जीरो कर दें, अगर यहाँ पे हम लोग आई जी को जीरो पुट कर दें तो आई जी को जीरो रखने पे पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस मिल रहा है। यानी कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यानी कि अगर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस हो तो आई जी क्या होगा हमारा, जीरो होगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का प्रूफ है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इसके रिमेनिंग पार्ट यानी इसके न्यूमेरिकल्स और इसके क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।